होमगार्ड की किशोरी पुत्री के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। होमगार्ड की किशोरी पुत्री के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। अर्धनग्न शब्द पाए जाने से सनसनी, मौके पर भारी भीड़। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक होमगार्ड की पुत्री के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही जांच सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। कई थानों की पुलिस के साथ SPRA त्रिभुवन सिंह, CO चौप सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए साक्ष्य के तौर पर घटनास्थल से काफी सबूत इकट्ठा भी किए हैं। बदलापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी होमगार्ड के जवान की 17 वर्षीय पुत्री का शव सुबह घर से 700 मीटर दूर सिवान में तालाब के किनारे पाए जाने से सनसनी फैल गई। पिता के अनुसार रात 1 बजे आँख खुली तो पुत्री चारपाई से गायब थी। पूरी रात खोजबीन करते रहे। सुबह लगभग 5 बजे 700 मीटर दूर सिवान स्थित तालाब के किनारे अर्धनग्न अवस्था में उसका शव मिला। चेहरे सहित शरीर पर कई जगह खरोंच सहित चोट के निशान थे। पर मिले खून से लथपथ कपड़े को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जांच को फोरेंसिक टीम भी पहुंचकर नमूना लिया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस के अनुसार अभी इस मामले में तहरीर नहीं मिली थी। सुबह पता चला कि जो है ये होमगार्ड है, बदलापुर में गाँव के ही है, जयराम प्रजापति उनकी लड़की है। सुबह पता चला कि जो है संदिग्ध अवस्था में जो है नाले की पुलिया के पास इसकी लाश मिली। उसके बाद जो है सूचना मिली, गांव वाले इकट्ठा हुए। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो है अपना छानबीन कर रही है। क्या इसमें कुछ आप सबको लग रहा है संदिग्ध में क्या कुछ? अब इसे ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या है, क्या स्थिति है, कारण कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कोई उच्च अधिकारी भी आए हैं मौके पर? हाँ, ये थाने के जो है प्रशासन भी आया है और CO साहब भी आए हैं और तमाम लोग जो है जाँच पड़ताल में जुटे हुए। बदलापुर में क्या मामला है सर? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रैधानीपुर है, थाना बदलापुर में, वहाँ पर एक किशोरी की लाश एक गड्ढे के पास से बरामद हुई है। इस पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, मैं भी गया तो उसके पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है कि कल रात में सभी लोग खाना खा करके सो गए थे। रात में लगभग 11:30 बजे उनके बड़े बेटे ने देखा कि उनकी पुत्री बिस्तर पर नहीं है, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को बताया, फिर पिता को बताया, फिर सब लोगों ने रात में तलाश किया, वो कहीं नहीं मिली। तो आज सुबह 5:30 बजे उसकी लाश मिली है। इस पर जो भी तहरीर प्राप्त हुई है तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव के ही 5 व्यक्तियों पर उसके द्वारा शक व्यक्त किया गया है, उनको पुलिस अवस्था में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बहुत शीघ्र ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।